यार पैप कुछ नहीं बना सकता है, बेहतर है टीवी मैकेनिक बनकर ही रहे, बेकार कोशिश कर रहे हैं। तुमने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला, कहा था कि तुम प्रोजेक्ट पर काम करते हो, पर तुम तो टीवी रिपेयर का काम करते हो। मुझे तुमसे अब कोई रिश्ता नहीं रखना है। अगर कभी कोई मुसीबत आ जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते, प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं करते? मशहूर विजय तलवार केस का फैसला बस आने ही वाला है। जल्दी ही ये साफ हो जाएगा कि विजय तलवार कसूरवार है या नहीं। आगे की ताजी खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सर, इस केस का फैसला हमारे हक में ही होगा ना? सॉरी, मैं नहीं जानता। सर, विजय तलवार का केस आज लोगों के लिए बहुत ही खास खबर बन चुका है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, लेकिन काम दिलेरी का है। इसका मतलब उनके प्रोजेक्ट की निगरानी आप करेंगे? देखिए, अभी तो ये केस कोर्ट में है, तब तक तो नहीं। अगर जजमेंट विजय के फेवर में आया तब सोच सकते हैं। बैठिए। योर ऑनर, ये विजय तलवार है। दिखने में तो ये बहुत मासूम लगता है, पर अंदर से ये बहुत ही शातिर और धोखेबाज है। योर ऑनर, इसने मेरे क्लाइंट का 2 कौड़ी का ऐप लाखों में बेचकर लूटने की कोशिश की है, और जब इसे लगा कि ये फंस जाएगा तब इसने आत्महत्या करने का नाटक रचा। इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा किसी की हिम्मत ना हो। ऐसे लोग समाज पर कलंक है, इन्हें सबक सिखाना ही होगा। योर ऑनर, विजय तलवार, क्या इस मामले में तुम्हारी कोई अपनी राय है? छोटे बच्चे खाली स्लेट की तरह होते हैं, उन पर जो लिख दो जिंदगी भर के लिए छप जाता है। पर मेरी स्लेट पे सवाल छपे थे, जिनमें सबसे अहम सवाल था कामयाबी क्या होती है, और तब शुरू हुआ उस सवाल का जवाब ढूंढने का सिलसिला। बहुत खूब बेटा, ऑल द बेस्ट। पहला एक्सपेरिमेंट बना के मैं खुद को कामयाब समझने लगा, लेकिन स्कूल में तो नजारा ही कुछ और था। वाह विक्रम, तुमने तो गजब कर दिया। दुर्फिटे मुंह, मेरे दिमाग से निकला आइडिया पहले से ही किसी और के दिमाग से उछलकर बाहर आ चुका था। तब मुझे समझ में आया कि कामयाबी में टाइमिंग बहुत मायने रखती है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मैंने क्या चाकदा फट्टे ना अब दे गिल्ली, अपना काम करता जा। लेकिन नाकामयाबी मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। सर, कमाल की इन्वेंशन करता हूँ, एक मौका तो दीजिए। टाइम नहीं है। स्किप दी अवधि। सर, बेस्ट कॉन्सेप्ट है। कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आओ कि सुन के दुनिया हिल जाए। तुम्हारा ये बकवास आइडिया सुनकर बुखार चढ़ गया। पबजी। मैंने हर तरफ हाथ पैर मारे, फुनसुक वांगड़ू की तरह कुछ नया बनाने की कोशिश करता रहा। एक बार देख तो लीजिए, पर लोग थे कि मेरी खोज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। उन्हें तो वही घिसापिटा काम चाहिए था। सिर्फ एक मेरे पापा जी हैं जो हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते हैं, पर इतने साल बाद भी कुछ बदला नहीं था। मार्केट में स्मार्ट टीवी बहुत हो गए और उन्हें ठीक करना भी आसान नहीं है। अगर तू चाहे तो लो जी मैकेनिक बनूं। सारा टाइम फालतू बैठे रहने से कुछ करना ही बेहतर है ना। ओ भाई, कहां मेरा प्रोजेक्ट और कहां टीवी मैकेनिक, गल कर दे। जीजू, मैंने बताया था ना, ये वही फ्रेंड है। हेलो जी। मेली तला हुनल है ना इतने। हाँ। दिल लगा के काम करना। एक बार फिर से मैं फिसड्डी का फिसड्डी रह गया। क्या करना चाहता था और क्या करने लगा। मैं जिंदगी के उस एग्जाम में उलझ कर रह गया जिसके रिजल्ट के इंतजार में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। हर बार मैं आगे बढ़ने की कोशिश करता था और जिंदगी हर बार मेरा पैर पकड़ के पीछे खींच लेती थी। सर जी, कमाल ऐप बनाया है। यहाँ एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एम्बुलेंस आई। जिस रूट पर एक्सीडेंट होगा उसी रूट की एम्बुलेंस को एक मैसेज जाएगा कि इतने किलोमीटर पर एक एक्सीडेंट हुआ है, और इस तरह काफी जाने बच जाएंगी। सर, तुमने गाड़ी बाजू में क्यों लगाई? पीछे से एम्बुलेंस आ रही है सर। उस एम्बुलेंस से पहले मेरा पहुंचना जरूरी है, चलते रहो। ओके सर। खोते दो पुत्तर। पैसे की खातिर दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ने की रफ्तार में मैं कुछ बहुत पीछे रह गया था, लेकिन इस निराशा को दूर करने का मैंने अभी एक टॉप क्लास रास्ता निकाल ही लिया। अरे मारेगा। ओ
ओए वाइन शॉप को सरकारी दफ्तर बना के रखा, खोलता लेट है, बंद जल्दी करता। मुझे अपनी जिंदगी नर्क नहीं बनानी, पहले से बीवी ने वार्निंग दी है कि घर पे जल्दी आना। अरे छोटू चटा बनकर। टैलेंट तो बॉस बनने का है, पर जहां भी काम मांगने जाऊं हाथ में थमाते हैं पोछा। हाँ जी, मैं हूं पोछा मास्टर। नाम तो विजय है पर मुझे विजय कभी प्राप्त हुई ही नहीं। दुर्भिट अबे फिकर मत कर यार, अच्छे दिन आएंगे। भाई अच्छे दिन को कह दे संडे को आए, उस दिन मैं खाली रहता हूं। सीनू अमेरिका। अरे विजय, कोई सीनू फोन कर रहा है अमेरिका से? हाँ? कमाल है, ये बात क्यों नहीं कर रहा? मैं देखता हूँ। हेलो नमस्ते। हैं नमस्ते। क्या विजय भैया, अभी तक रात का नशा उतरा नहीं? कौन बोल रहा है? अरे मैं तुम्हारा सीनू बोल रहा हूँ। अमेरिका से? अमेरिका बाहर से, और कहाँ से? हाँ बोलिए। अच्छा काम की बात सुनो, इसलिए फोन किया था क्योंकि कल ड्राइडे है, पर मैंने सुमड़ी में आपका माल रख दिया, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अच्छा किया। पापा जी वो तेरे दोस्तों का कॉल आए तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, अगर गर्लफ्रेंड का फोन आ जाए तो उससे भी बात कर सकता हूँ, लेकिन अगर बार से फोन आए और बारमैन पूछे कि सर ड्राइडे के लिए कौन सी शराब निकाल के रखूं और उसका जवाब मुझे देना पड़े, तो दुनिया में ऐसा खुशनसीब बाप मैं अकेला बनूंगा, और ये सब आपकी बदौलत बरखुरदार। पापा जी ऐसा कुछ नहीं है, पहले वो ट्रेन में चाय बेचता था इसलिए बुला के पिलाता है। आप तो जानते हैं पापा जी, मैं ज्यादा नहीं पीता, तभी पीता हूँ जब मूड खराब होता है। ऐसा दिन हुआ है जब तेरा मूड खराब ना हो? तो खराब मूड बनाऊ नहीं क्या? दारू छोड़ने की कसम नहीं। मेरी जान मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, ये तेरे लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। बस तू इतनी सी कसम खा ले कि तू जितना जी चाहे पिएगा, जहाँ जी चाहे और जितना जी चाहे पिएगा, लेकिन खुद के पैसे से कभी नहीं, बस इतना। तो चोरी करूँ? बरखुरदार, मेरे अलावा दुनिया में तेरा कोई है? अब तक तू खुद के पैसे से पीता रहा, अगर वो पैसे खत्म हो गए तो क्या करेगा? विदे मुझे तिला ही काम था, ये 1 लाख का फोन है लेकिन तल नहीं रहा है, दलाद देना, इसमें क्या बीमारी है? ईमेल आईडी मांग रहा है। ईमेल आईडी? ए नंदू बिदी है क्या, तू जल्दी से मेरे घर जा और वो लेके आ। क्या लाने बोला है? ईमेल आईडी। हाँ ये लेते आ, ठीक है? ये कौन सी फीमेल है जो इसे ईमेल देने वाली है? जीजू ना हम जैसे लोगों से कम पैसे में काम कराते हैं और पूरी दुनिया के सामने मोबाइल इंजीनियर बने फिरते हैं, तू टेंशन मत ले मेरे भाई। अच्छा सुन, वो शाम को मेरे घर पे फंक्शन है तो दीवाना टीवी चैनल वाला काम तू देख ले। और किस बात का फंक्शन? अरे वो बहन की ननद को बच्चा हुआ है ना, बस उसी का फंक्शन है। सॉरी भाई, 10 मिनट में प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। ले तू ही कर ले। इन हंसी वादियों में हम सभी झूमते हैं, आओ मिलके खुशियां मनाएं, झूमे नाचे और गाएं। Cut it, tight close। अब अच्छा tight close चाहिए? हाँ बिल्कुल। इन हंसी वादियों में हम नाचे झूमे गाएं, मैं भी गाऊं तुम भी गाओ। Cut it। बस बस इतने पैसे में इतना ही मिलेगा। सर सर सर, एक तो और क्लोज शॉट। एक और टाइट क्लोज चाहिए। पहले तो इतना लिया, फिर इतना क्लोज, और फिर इतना, उसके बाद टाइट क्लोजअप। ज्यादा टाइट करेगा तो कैमरे का नॉब टूट जाएगा। सर वेज तंदूरी ऑर्डर किया है। मेरे से पूछा तूने? तू क्या मदारी है और मैं बंदर हूँ जो नाश्ता रहूं? मेरी तरह सोचता है। अरे भूखा तू है और बिल मेरे ऊपर। क्या हुआ माइक, मसला क्या है? सर 7 बजे तक मैं ठीक रहता हूँ, उसके बाद मेरी गटर इशू। लो जी हो गया पीने का जुआ। इतने चिंदी पेमेंट में और क्या होएगा? ये लो तुम्हारा कोट, पहनाओ इसको, वहां जाऊंगा जहाँ टैलेंट की कद्र हो। ये थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है, घूर क्यों रहा है मेरे को?
हेलो एक्सक्यूज मी जी, आप बुरा ना माने तो मुझे भी थोड़ी सी दारू। पहले ही शक हो गया था, कुछ तो बात है जो तू मेरा पीछा कर रहा है। 90 आधा। अबे पूरा टंकी है रे तू तो, देखने में पढ़ा लिखा लग रहा है, जानवान भी बना है, बाइक भी है, तो जाके काम करना। हाँ शर्म मत, मैं भी पिलाऊंगा तुझे। अबे ओए तू पीने वाला या पिलाने वाला है पहले क्लियर कर। अरे तू मेरी दारू खरीद, मैं तेरी दारू खरीदूंगा। अरे तो तू अपने लिए खुद ही खरीद। हा? जितनी जी चाहे पीना, लेकिन अपने पैसे से कभी मत पीना। पापा जी ने कसम खिलाई है कि अपने पैसों से कभी मत पीना, इसलिए एक दूसरे को पिलाएंगे, पर चखना अपना अपना खाएंगे। आहो बहुत उच्च विचार है। तो कितना लूं? भूल नहीं, आधे में ही चलाता हूं। चलो ये तेरा और ये तेरा। चिल्लर नहीं है। कल भी छुट्टा नहीं था ना, अब 10 दे। चीयर्स ब्रो। ब्रो डूड डार्लिंग भैया, ये सब बोल बचन डिजिटल वर्ल्ड में आउटडेटेड है। ग्लासमेट। हाँ ये राप चीक है। चीयर्स ग्लासमेट। एक्टिंग तुम्हारा पैशन है या लोगों का मूड खराब करने के लिए एक्टिंग करते हो? यू मीन गोल एम्बिशन ट्रॉफी लाइक दैट? हाँ जी। बेसिकली आपुन क्या ना, लिरिक राइटर कम सिंगर है। वाह जी वाह। गरीबों से मैं हाथ नहीं मिलाता। हर रात को मैं सारे गामा पदा निशा को अपने शराब में घोल के पी जाता हूँ और म्यूजिक डायरेक्टर के ऑफिस में जाके उल्टी कर देता हूँ। प्यार 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 मुझे बार में हुआ प्यार, ए बार में जाके मैंने कई बार किया है प्यार। बोलते तुम तो महान सिंगर हो। दम तो बहुत है, विरार फास्ट में ट्राई करो। आजा 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 जाने मन, मेरा कलेजा है तेरे लिए तन मन, दे दे अपना तन मन धन। वाह तुम्हारा जैसे कोई ढूंढ रहा था। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ए बोलते हैं बाद में कॉल करेंगे, कॉल तो दूर, उनके एरिया से नेटवर्क का टावर ही गायब हो जाता। टन 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 टन। लेकिन अपन मायूस नहीं हुआ, इसके अंदर डूब गया, नई जिंदगी दी इसने। ही ओपन्ड माय थ्री नेत्र। फेमस कितने लोग होते हैं? 3-4 लोग, फिर भी कला की भरमार है ना, सब अपने आप में हीरो है। किसी ने म्यूजिक का दुकान लगाया तो किसी ने क्रिकेट का, ऑस्कर सिंगर से लेकर विरार लोकल के सिंगर तक, सभी अपने आप में माहिर है। भेड़ो पंच तत्व से बने इस शरीर में एक कीड़ा सब में होता है, किसी में कला का, किसी में सुलेमानी का। अब कीड़े का पालन पोषण कैसे करना है ये तो खुद पर निर्भर है। मुझे ये ज्ञान पहले मिल गया, इसीलिए जिंदगी ने जब किया गुस्सा, मैं वाइन शॉप में घुसा, ऊपर वाला हो गया फिदा, मैं दीवाना चैनल में घुस गया सीधा। तो 4 दिन की जिंदगी है, पीते रहो। आप जैसा महान एक्टर यहाँ? मेरी घर की नौकरानी आपकी बहुत बड़ी फैन है, कामकाज छोड़ के आपकी फिल्म देखती रहती है। अरे बाप रे, तूने मेरे को पहचान लिया, चल अब जल्दी से कल्टी मार। और सुन, किसी को बताना नहीं मैं यहाँ, नहीं तो मेरे चाहने वाले मेरा ऑटोग्राफ फोटोग्राफ लेने लग जाएंगे। मेरी भी पर्सनल लाइफ है। डार्लिंग, मेरे चेहरे पे भी हर हफ्ते में ऐसी खुशी आती है। मेरी इस भीखी और बेस्वाद जिंदगी का बस वही एक मसाला है, सबटाइटल्स के बिना मैंने कभी कोई दूसरी लैंग्वेज की फिल्म तक नहीं देखी थी, पर उसके लिए मैंने फ्रेंच क्लासेस ज्वाइन की। अच्छा ये वाली देखो। हाँ हाँ मैं भी चलूंगी यार, मुझे ऐसी पिक्चर नहीं देखनी है, मुझे डर लगता है, बहुत पसंद है। अच्छा यार समझा करना, अगर लहरी तू नहीं आएगी ना तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। कहीं नहीं जाएगी, और अगर इसे किसी ने छुआ याद रखना कालों से पहले मैं उसकी जान ले लूंगा। भूत नहीं मैं हूं। देखो तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें तंग करने के लिए सिर्फ तुम्हारी टिकट खरीदी थी, पर डरो मत मैं आ गया हूं। मम्मी डरा क्यों रहे हो? वो क्या है कि हॉरर फिल्म देख के मेरी फट, मतलब हॉरर मूवी से बहुत डर लगता है। ऐसी मूवीज में डर ही रहता है, रोमांस नहीं। वो तो मुझे पता है, पर तो मेरे लिए आए क्यों? क्लासेस में तुम अकेले नहीं मिलती, यहाँ अकेली मिलोगी सोचो, मतलब गलत नहीं सोचा, नियत अच्छी। माहौल हॉरर है पर सिचुएशन पूरी रोमांटिक है, ऐसे में दिल की बात करना तो बनता है ना। मैं मूवी देखूं या तुम्हारी बकवास सुनूं? प्लीज मेरी बात सुन लो, टिकट का पैसा बाद में वसूल कर लेना। वो तो मैं नहीं छोड़ूंगी,
तुम लड़कियों की यही तो प्रॉब्लम है, पटती बाद में वो खर्चे पहले बता देती हो। तुम्हारी खूबसूरती देख के यहाँ पर दिल और दिमाग दोनों हिले हुए होते हैं, ऊपर से तुम लोग बजट भी हिला देती हो, पर तुम्हारी खातिर तो मैं कर्जे में भी डूब जाऊं, क्योंकि प्यार जताया नहीं जाता है, बस निभाया जाता है। तेरे प्योदीप, लड़कों में जब जवानी का फोड़ा फूटता है तब गधी भी परी जैसी लगती है, सोचो तुम जैसी खूबसूरत लड़की के लिए। ये मेरे अंदर की हवस नहीं, मेरी मोहब्बत बोल रही है। पहले मुझे प्यार व्यार फिल्मी लगता था, पर जिस दिन से तुम्हें देखा है कम खाता हूँ कम सोता हूँ, पर फिर भी फुल जोश में रहता हूँ। अगर तुम्हारा साथ मिल जाए तो 200 साल तक जी सकता हूँ। कहते हैं सांसों पे हक सिर्फ ऊपर वाले का ही होता है, पर मेरा बस चले तो वो हक भी मैं तुम्हें ही दे दूँ। साइंस के पास प्यार नापने का कोई फॉर्मूला नहीं है, पर मेरे प्यार को नापने का एक आसान सा फॉर्मूला दे सकता हूँ, जो है 7 जन्मों का प्यार। डार्लिंग का फोन है ना, गुफ्तगू कर ले यार। काय को? कोई लोचा है क्या? जो बच्ची प्यार दे, पिये पानी सोडा लेके। बदतमीज, एक पेक के ऊपर जाते ही नाटक शुरू। पियक्कड़ लोगों को देखकर लगता है कि गोली मार दूं। अच्छा मैं तो एक बात भूल ही गई, तुम कितने पीते हो? छी छी, अगर मैं वाइन शॉप की गली से भी गुजर जाऊं ना तो 3 बार घर जाके नहाता हूं। अरे ये तो होता रहता है, बाद में तेरे साथ नारियल पानी में डाल के पिएगी, बिंदास पी। सच में? ठीक है, क्लियर है सर। चलो आगे बढ़ो, चलो आगे चलते रहो। सर मीटर लगाओ ना, चल जाए यहाँ से। अच्छा नहीं लोगे? हम लोग पीने के लिए बैठे थे, बातों बातों में ज्यादा हो गई, वही चेक करने का था कि कितना पियो। अरे जाना, वक्त बर्बाद कर रहा है, चल निकल। अरे मुंह क्या देख रहा है, चल काम पे लग। दारू पी के गाड़ी चलाना बहुत बड़ा जुर्म है, और चलाना ही है तो साइकिल चलाने का। कोई लाइसेंस नहीं, कोई पीओसी नहीं, टेंशन फ्री राइड। ऊपर से ये जान बनाती है और पोल्यूशन भी नहीं। चुपचाप जाके सीधे घर में घुस जा। ओए चल यार। हटो हटो हटो, अब हम संभाल लेंगे, आप जाइए। हेलो दोस्तों, मैं नवनीता हूँ, कुछ देर में मैं खुदकुशी करने वाली हूँ। ये सब क्या पागलपन है, बात कर क्या बचपन है नीतू? अब इन सब बातों से क्या फायदा सत्या, मैंने फैसला कर लिया है, इरादा नहीं बदलेगा। हाँ तो फिर हमें बुलाने का क्या मकसद? मरने से पहले तुम लोगों से मिलना चाहती थी, क्या गलत है? आ गए हम, अब हम सबको देख लिया ना तूने, अब जल्दी मर, बहुत सारे काम पड़े हैं। तेरा ये जो डेली डेली का मरने का नाटक है ना, बंद कर। तेरे मरने के चक्कर में ना हम बहुत परेशान हो गए, अब जल्दी से मर। मैं जीना नहीं चाहती। सोशल मीडिया पर मेरी फोटो को सबने लाइक किया, बॉयफ्रेंड ने ही नहीं किया। पहले तो मैं चुड़ैल जैसी फोटो पोस्ट करती थी तब भी लाइक करता था, लेकिन अब मैं हीरोइन जैसी लगती हूँ तब भी कमेंट नहीं करता। उसके कमेंट के बगैर मेरी रोमांटिक फिल्म एक हॉरर फिल्म बनकर रह गई है, जिसमें कॉमेडी का तो नामो निशान नहीं है। सिम कार्ड निकालने के बाद जो हालत मोबाइल की होती है वही मेरी हो गई है। मैं और सहन नहीं कर सकती, इस बार मेरा फैसला पक्का है। आत्महत्या कर लोगी, यही ना? तरीका क्या सोचा? इससे ये पिल्स खाकर कुछ खास नहीं होगा, सिर्फ 4-5 घंटे बेहोश ही रहोगी। हिलना मत। ओह नो, नस कटने से तुरंत मरोगी, ये तरीका सही रहेगा। काटो मत। सिर्फ एक सेकेंड। सुसाइड करना बहुत इजी है। क्यों रोना था ना क्यों? मरने के नाम से कलेजा मुंह तक आ गया। मरना नहीं है मुझे, अब जीना चाहती हूँ। मरने का इतना ही शौक है तो ड्रामेबाजी मत किया कर, हम वेले नहीं बैठे कि मुंह उठा के आ जाए। सोशल मीडिया चला, पर बस कर। ऐसा क्या हो गया कि तूने आत्महत्या करने का सोचा? सोशल मीडिया पर बॉयफ्रेंड ने लाइक नहीं किया इसलिए तू मरने चली? हाँ इतनी सस्ती है क्या तेरी जान?
अकेले मरना है तो मर जाना। दिल कर रहा है कि तेरे कान के नीचे बजाऊं। अबे एक बार भी तुझे अपनी फैमिली का और दोस्तों का ध्यान नहीं आता? तेरे जैसे डफर से मेरी दोस्ती कैसे हो गई? तुम्हारा नाम श्वेता है ना? 7A रोजरी कॉन्वेंट। हाँ? अरे मैं लहरी हूँ, पहचाना कि नहीं? लहरी? ओ हाय, बहुत सालों बाद मिले हैं। हाँ? कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। इसे कैसे जानती हो तुम? फ्रेंच क्लास में थी। मेरी सुसाइड के बहाने तुम लोग तो मिल गई। नीतू के फोन पे किसी का मैसेज आया है, पढ़ो ना। हेलो नीतू, सुना है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है। डोंट वरी, मैं अभी जिंदा हूँ। तुम्हारा सुरेश खजुआ। कोई भी चलेगा। सबकी सोच एक ही जैसी है। हो सकता है कि 100 लोगों में से किसी एक का अंदाज अलग हो, पर उनकी मंशा सिर्फ एक ही होती है। लड़कियां बस हाँ ना करते हैं, क्योंकि उसके बाद वो अपना असली रंग दिखाते हैं। ऐसे रिश्तों से तो अच्छा है अपने और अपने परिवार की खुशी पर ध्यान दो, बेहतर होगा। पसंद आई? थैंक यू। अब ये भी बताओ कि अपना टाइम कब आएगा? टाइम? अब वक्त मिला मुझसे मिलने का? अरे मैं तो फालतू चीजों में फंस गई थी। एक फ्रेंड ने कॉल करके बोला कि मरने जा रही हूँ, हमेशा का ड्रामा। कैसा ड्रामा? अरे छोड़ो ना। अच्छा तुम्हारी बहन की सगाई कैसी थी? बहुत अच्छी थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, पर शादी बिल्कुल अरेंज मैरिज जैसी हो रही है। जीजा जी सेम कास्ट के नहीं है, लेकिन फिर भी घर वाले मान गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारे घर वाले भी मान जाएंगे। हाय मैं मर जाऊं। गुड मॉर्निंग सर। हाँ चलो बैठ जाओ। नमस्ते सर, मेरा नाम है। हाँ तुम्हारा नाम हरी है, तुम्हारे पिताजी का नाम काली है। यहाँ पर रिलेशन नहीं बनाना है, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है। चलो अपना आइडिया बताओ, अगर तुम्हारे आइडिया में दम है तो इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, वरना जहाँ से एंट्री ली है वहीं से एग्जिट हो जाओ। उम्मीद है कि तुम समझ गए। चलो बको। चलता है फिर रेस्टोरेंट सर। फोन घुमाओ खाना पाओ, गरीब से अमीर तक, बड़ा पाव से पिज्जा तक, जो भी चाहिए तुरंत हाजिर हो जाएगा सर। वो क्या कहते हैं सर, चटमंगनी पटबिया? बिल्कुल उसी तरह, कमाल का आइडिया सर। 160 करोड़ की ऐतिहासिक फिल्म, शूटिंग जूनी तलैया में शुरू करेंगे और 15 साल में पूरी हो जाएगी पिक्चर। कल में डील करेंगे और फिर चिप डाल देंगे। सुबह शाम चार्ज कर सकते हैं सर, अगर हमने ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट किया तो। इसके बाद मन की बात भी सुन पाएंगे सर। चलते फिरते हॉटस्पॉट की तरह। गुड मॉर्निंग सर। सबकी जिंदगी में कोई ना कोई हादसा जरूर होता है। कोई उन हादसों के चंगुल से बच निकलता है तो किसी की जिंदगी भयानक और दर्दनाक हादसों का शिकार बन जाती है। इसी तरह के कुछ हादसों से बचने के लिए मैंने एक ऐप बनाया। रोज लाखों एक्सीडेंट होते हैं, उसमें ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि वो सही समय पर हॉस्पिटल पहुंचकर इलाज नहीं करवा पाते। पर अब नो प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास इसका हल है। एक ऐसा ऐप जो एक्सीडेंट होने पर खुद सबको इन्फॉर्म करता है। मान लीजिए किसी सुनसान जगह पर किसी का एक्सीडेंट होता है, जैसे शहर के बाहर गांव खेड़े के वीरान रास्तों पर, खासकर अंधेरी गलियों में। वो बेचारे तड़प कर जान गंवा बैठते हैं और उनके अपने बेखबर रहते हैं। इंसान की जान इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए सर। उनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार है सर, इसलिए बिना किसी पर डिपेंड हुए। मेरा ऐप ऐसे लोगों के लिए जीवन दान है जो एक्सीडेंट होते ही उसकी खबर नजदीकी एम्बुलेंस, फायर डिपार्टमेंट, पुलिस स्टेशन और रिश्तेदारों के पास मैसेज के रूप में भेज देती है। और सर ये उसका डिजाइन है जो। सुन लिया, उसकी पूरी बात सुनो। अरे बकवास आइडिया है, समझ नहीं आ रहा। सारी दुनिया को पता है कार में सीट बेल्ट होती है, जिसे मरने की ख्वाहिश है वो उसे नहीं पहने। जब आप कार चलाते हो तब आगे पीछे देखना ही पड़ता है, वरना एक्सीडेंट। अब जिसे ऊपर जाने की जल्दी है वो जाए, है कि नहीं? ज्यादातर लोग हेलमेट क्यों पहनते हैं? उनका मकसद सिर्फ अपनी जिंदगी बचाना नहीं है, बल्कि पुलिस वाले को फाइन भरने से बचना भी है। तुम ऐसा आइडिया लेकर आए हो जिसका कोई मतलब नहीं है। तुमसे बेहतर आइडिया तो 5 साल का बच्चा दे दे। तो ऐसा फालतू आइडिया देने के बजाय कोई ऐसा बेहतरीन आइडिया बताओ जिससे हमारी कंपनी को फायदा हो, समझे? पर सर जी, अगर तुम में जरा सी भी अकल है तो मेरा मतलब समझ गए होगे और मेरा टाइम बर्बाद नहीं करोगे। अब प्लीज। भरत? हाँ? मेरे ख्याल से विजय का ऐप हमारे मतलब का है। उसके बारे में पता लगा के बताओ। श्योर सर। पर्दा सुनने को राजी नहीं था। कहता ऐप में कोई दम ही नहीं है, 5वीं क्लास का बच्चा भी इससे अच्छा ऐप बना लेगा। भाई चखना लाऊं क्या? ओए तू जाना काके। अरे भाई कुछ तो ऑर्डर दो ना। 2 प्लेट कामयाबी लेकर आ। ला सकते है?
अरे इसीलिए समझाया था तुझे, मेरे क्लब का लाइफ मेंबर बन जा, जिंदगी सुकून से कट जाएगी, ज्यादा इधर उधर का नहीं सोचने का। ये घड़ी अच्छी है ना? क्या कीमत होगी? पता नहीं, दिखने में तो महंगी लगती है। महंगी है मतलब अच्छी होगी। कीमत भी अच्छी होगी। लहरी ने दी है। अरे तुम मेरी जिंदगी की मोमबत्ती हो, मैं तुम्हारा माचिस हूँ, दोनों मिले तो बात ही कुछ और है। जब से तुम मेरी जिंदगी में एंट्री की हो, मेरी जिंदगी खुशनुमार हो गई। आई लव यू। हो इस बार माफ कर रही हूँ, आइंदा मेरा फोन मत छूना। कितनी लकी हो तुम जो इतनी प्यारी शायरी भेजी उसने, मुझे तो सब खड़ोसी मिले। लग रहा है दारू पी के बैठा है। कौन ऐसे लिखता है यार? क्या पैक? नहीं सवाल ही नहीं उठता। तो तुझे क्या लगता है ये कोई साधु संत है? अरे यार बिना दारू चढ़ाए ऐसी फीलिंग्स नहीं आती हैं। ये बात नहीं है, उसने मुझे खुद ही कहा था, उसे शराब से नफरत है। एक जाम और हो जाए। इससे पहले भी इस तरह के मैसेजेस आए हैं? हाँ। यूजुअली किस टाइम पर? मैसेज तो हमेशा इसी टाइम पर भेजता है। मेरी थ्योरी ये है कि कोई लड़का अगर एक ही वक्त पर मैसेजेस भेजता है और वो भी इस तरह के लवी डवी मैसेजेस, तो मतलब ये है कि वो दारू पी के टल्ली है और वो अव्वल दर्जे का एक झूठा इंसान है। वो लड़का सिर्फ तेरे इमोशंस के साथ खेल रहा है। टुडे इज स्पेशल चंद्रयान। मिस्टर अजय। एक मिनट मिस्टर विजय। पहले तो सिर्फ धरती पे लोग दारू पीते थे, अब एलियंस भी पीने लगे हैं। मिस्टर अजय, वो कर क्या रहा तू? आज अपना वेटर श्रीनिवास का बर्थडे है मिस्टर विजय। ओह, लेट्स सेलिब्रेट, एंजॉय ग्लासमेट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे श्रीनिवास। यार एक तो गिफ्ट नहीं लाए, ऊपर से हैप्पी बर्थडे करके गाना गाए जा रहे हो। सुन मेरे भाई श्रीनिवास, मैंने सोचा था गिफ्ट में तुझे दूंगा एक बढ़िया सा आईफोन, लेकिन उसे अपने पास रख के मैंने कर दिया माय फोन। मैं एक दिन तेरे लिए जूते खरीदने गया था श्रीनिवास, पर मेरा जूता फटा था इसलिए मैंने खुद ही पहन लिया। बाइक और मैं बिना सीट वाली साइकिल लाने वाले थे, फिर सोचा साइकिल पंचर हो जाती, ब्रेक फेल हो जाता, चेन निकल जाता, तेरा एक्सीडेंट हो जाता। अरे तोहफे की लालच मत कर, हम लोग जाने से पहले तेरी पॉकेट दुआओं से भर देंगे। भर देंगे। इलहरी जरा ये देखो, श्वेता की बात गलत नहीं है यार, किसी माइक नाम के लड़के ने एक फोटो पोस्ट की है। माइक सेलिब्रेटिंग श्रीनिवास बर्थडे एट अमेरिकन बार एंड रेस्टोरेंट विद विजय एंड अदर्स। यही है क्या तेरा शायर? उल्लू बना रहा था ये तुझे। भाई कहता हूँ सुनो, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो, जाने दो मुझे। अरे लॉरी बात सुनो। लॉरी, इतनी ज्यादा पी ली है तुमने कि मेरा नाम भी ठीक से नहीं ले पा रहे हो। वो श्रीनिवास का बर्थडे जन्म था। वो कौन है? ये मैं काम करता है, क्लोज फ्रेंड है। ओहो, ऐसी जगह पर पार्टी शार्टी मनाई जा रही है क्योंकि वो तुम्हारा क्लोज फ्रेंड है? हाँ, तुम कितनी अच्छी लग रही हो। अरे इसके झूठ के बारे में मैं तुम्हें क्या क्या बताऊँ। मैंने एक बार पूछा कि तुम्हारे मुँह से दारू की बदबू क्यों आ रही है, तो जानती हो क्या कहा इसने? मुझे बोला डार्लिंग ये तो चीकू की स्मेल है। ओए सोनिया सुन, होश उड़ा के देवदास बन के मैसेज करते हो ना? नहीं, कुछ कुछ होश में भी किए थे मैंने। चलो लहरी।
You're right. He's a liar. लेरी, अचानक जब तुमने मुझसे पूछा कि मैं दारू पीता हूँ या नहीं तो मैं घबरा गया और मैंने झूठ कह दिया। वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। लेरी, एक मिनट रुको, बात तो सुनो। मैं वादा करता हूँ मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। अरे उस रोड से भी नहीं जाऊंगा, उस एरिया को ही छोड़ दूंगा। चंगा, तुम नहीं रुकी तो जीना छोड़ दूंगा, पर दारू नहीं पीऊंगा। कहो तो इस छोटी सी बात पे अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए भी तैयार हूं। हो सकता है तुम्हारे लिए ये छोटी बात हो, लेकिन मेरे लिए ये बहुत अहम है। मैं इतनी दुनियादारी नहीं समझती। सही गलत अच्छा बुरा इन सब की जांच करने में मैं दूसरों की तरह माहिर नहीं हूँ। विश्वास जल्दी करती हूँ, आसानी से किसी की भी बात पर भरोसा कर लेती हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हें तो मैंने अपना दिल दिया है तो तुम पर भरोसा तो करती हूँ। मेरे जिंदगी के तमाम फैसले मेरा परिवार और मेरे फ्रेंड्स करते हैं। मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को कुछ बताए बिना मैंने अपने दिल की बात सुनी और तुम्हें अपना हमसफर बना लिया। तुम ही तय करो जो मैंने फैसला लिया वो सही है या गलत। ओए बिल्कुल सही किया, भरोसा रख। चल अब ये बैग दे मुझे, ऐसा लग रहा है मायके जा रही है। हेलो जी। क्लासमेट, मैं अमेरिका बाहर पहुंच गया, तू कब आ रहा है? शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अल्कोहल कंजम्पशन इज इंजूरियस टू। बिना रनआउट हुए जिंदगी जीने के लिए सिगरेट के धुएं से दूर रहे। राहुल द्रविड़। मूवी देख रहा है क्या ग्लासमेट? कब खत्म होएगी? ग्लासमेट, बेवड़ों की दुनिया को मैंने तलाक दे दिया है। टेम्पररी रिश्ता यही खलास। तो मेरा नंबर डिलीट कर दो, सिम कार्ड तोड़ दो, फोन गटर में फेंक दो, बाय बाय। दो दिन का उपवास है। बरखुरदार, ये क्या हो रहा है? गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। क्या कहा, मतलब? कुछ नहीं बाबा जी, एक छोटी सी डिवाइस है, जब मिट्टी सूखेगी तो इसमें से पानी। रुकिए, आपको आपकी भाषा में समझाता हूँ। अब आपको बाल्टी लेकर ऊपर आने की जरूरत नहीं है। अच्छा काम किया। मेरा जीजू भी अतरंगी आदमी है, कहता है बैंकॉक गाड़ी में जाएगा, पता नहीं कब पहुंचेगा। हेलो जी। हेलो, दिस इज भरत यार। बोलिए सर जी। तुम एक प्रोजेक्ट लेकर आए थे, याद है? हाँ हाँ सर जी। मैंने बॉस से बात करके उन्हें इसके लिए मना लिया है। क्या तुम मुझे मिल सकते हो फ्राइडे? हाँ फ्राइडे ठीक रहेगा। फ्राइडे मिल सकते हैं? ठीक है सर जी, थैंक यू सर जी, पक्का फ्राइडे को मिलते हैं। ओके बाय। पापा जी। बोलो बेटा। कुछ कहूँ तो मानेंगे? बताओ फिर बोलूंगा। छोड़ो, इतनी भी कोई खास बात नहीं है। बेटे तुम कहीं बम फोड़ने तो नहीं जा रहे? मेरे पापा जी टेंपल सुपरवाइजर। नमस्ते पापा जी। लहरी, मैं आपको बताने वाला था। मिलकर अच्छा लगा। ये शादी का इनविटेशन था। ओ तेरी, तुम्हारी शादी, इसीलिए यहाँ लाया क्या मुझे? नहीं, मेरी बहन की शादी। सच कह रही हो ना, या फिर कार्ड पे नाम पढ़ लूं? हाँ, क्यों नहीं, आओ प्रसाद चढ़ाना। आओ आओ जी आओ। बेटा, पुराने जमाने में रिश्ते इसलिए टूटते थे क्योंकि घर वाले लड़की कौन है, किस मजहब की है, साथ में क्या क्या लेकर आई है, इन बातों पर लड़ते थे। लेकिन अब वो दिन नहीं रहे। खुशी और गम सब कुछ अब मियां बीवी दोनों के हाथ में ही होते हैं। छोटी बड़ी मुसीबतें आए उसमें बिना डरे एक दूजे के साथ चलकर हालात का सामना करना चाहिए, फिर जिंदगी आसान हो जाती है। भेजे में उतार लो ये बात। कैसी लग रही है? खरीदने वाली हो? सिर्फ सेल्फी के लिए। विजय जैसे इंसान बहुत कम है, वे इंतहा प्यार करता है। उसने मुझे वादा किया है वो कभी शराब को छुएगा नहीं। ये अच्छा है, इसे दे दीजिए। कपड़े खरीदते वक्त हम एक एक चीज चेक करते हैं, और ये तो तेरी जिंदगी का सबसे अहम फैसला है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उसे तो अच्छे से पता था कि तुझे शराब पसंद नहीं, उसने तब क्यों नहीं छोड़ दी? उसने अब छोड़ी जब तूने उसे पकड़ लिया। ये बात मुझे हजम नहीं हुई, सोच के देखना। श्वेता, तुम एक बार उससे मिल लोगी ना, तुम्हें सब कुछ पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। समझो ना प्लीज, मेरे परिवार से मिलाने के लिए मैंने उसे घर बुलाया है, दीदी की शादी के बहाने उससे मिल लेना तुम, ठीक है? ओके।
क्लासमेट क्या कर रहा है यार? अरे यार तुम ऐसी शर्ट पहन के जाओगे वो भी फोल्ड करके, तुम्हारे गर्लफ्रेंड की बहन की शादी है, रुक मैं कुछ करता हूँ। सूट पहनू? चट्टियों में छेद हो गए, उनके लिए पैसे नहीं है, फिर भी शादी के लिए 2000 बचाए। 2000? डोंट वरी, पूरा दुकान खरीद लेंगे। पर तो करने क्या वाला है? अरे जितने भी फिल्म स्टार है ना सब यहीं से कपड़े लेते हैं, बिल्कुल मेरी तरह, सिर्फ 1000 रुपया। इतना महंगा? अबे रोज थोड़ी पहनने का है, मैं किसी के उतरे हुए कपड़े कैसे पहन सकता हूँ? एक दिन की तो बात है, नया खरीद के पैसा काहे के लिए वेस्ट करने का, दारू के लिए बचा के रखने का ना, वो भी इंग्लिश के लिए। अरे दिखावे का जमाना है ये दोस्त। हाँ ग्लासमेट, हाँ देख तेरे पे एकदम जच रेल है, शादी के रिसेप्शन में जाएगा ना बिजली गिर जाएगी ग्लासमेट। कौन है ये माइक? अब उनका अजीज दोस्त है भाई, थोड़ा कम करने का ना। अरे क्या रे माइक, और कितना कम कराएगा? क्या अजीज भाई, चलो 800 रुपए दे दो। थैंक यू भाई। Thank एक you. और बात, सूट खराब नहीं होना चाहिए। मैं हूँ ना भाई। चल तुम बहुत सुंदर लग रही हो आज। हाय 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 बेटा जीतू, तुम्हारे फ्रेंड्स आए हैं। हाय थैंक यू, आज फिर चलो चलो हट जाओ साइड 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 प्लीज। ये भाई क्या देख रहे हैं, क्या कर रहा है? अरे माहौल बना रहा हूँ। माहौल नहीं भौकाल कर रहा है, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए ना। ये बाजू हट जाए, ठीक है जैसा बोलो। थैंक यू। ये माइक है। कैसे है चाचा? अच्छा इसकी वजह से। आइए ना अंदर आइए। हेलो हेलो, हम सब यहाँ तेरा वेट कर रहे हैं, कहाँ है तू? अरे यार मेरे पास इस वक्त बहुत काम है, मुझे नहीं लगता कि मैं आ पाऊंगी। उसका बॉयफ्रेंड यहाँ हीरो बन के आया है, तो इसमें कौन सी नई बात है यार। चल फोन रख। आओ पापा। हाँ। ये है विजय। नमस्ते, नमस्ते बेटा। ये मेरी मम्मी है और ये दीदी। नमस्ते नमस्ते। खड़े हो जाओ। कोट को सीधा कर, क्या कर रहा है बे? जब कोट पहनना आता ही नहीं है तो रेंट पर लेते ही क्यों? कोट को कड़क होना चाहिए, कम से कम स्त्री तो करना चाहिए ना। औकात नहीं है तो पहनते ही क्यों? हेलो कैसे हवा आते रहना। अरे क्या हुआ? चल यार बढ़ गया। ए माइक, अरे 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 अरे, अच्छे भले सूट का पोछा बना दिया तुमने, इसीलिए सूट किराए पर लिया था क्या? 1000 का सूट मैंने 800 रुपए किराए पर दिया, कल सुबह आकर पाई पाई चुका देना, वरना मैं आऊंगा, और मैं आया ना तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शादी मुबारक हो। ओए माइक भाग तक आए। अरे रुक। ओए क्या बोला था तूने कि शादी में सब लोग मेरी तरफ ही देख रहे होंगे? तूने बिल्कुल सही कहा था, पता नहीं क्यों मैंने तेरी बात सुनी, मेरी भी मौत मारी गई थी। अरे मुझे क्या पता था कि सारी मुसीबतें गूगल लोकेशन के सारे हाथ धो के हमारे पीछे पड़ जाएंगी। वैसे इतना भी बुरा नहीं हुआ। बुरा नहीं, अनर्थ हुआ। चल। तुमने खुद उस लड़के को चुना था, उसका नतीजा देख लिया, तुम्हारे लिए अब लड़का हम ढूंढेंगे। ऐसे लोगों को मैं अच्छे से पहचानती हूँ, पता था ऐसा ही कुछ होने वाला है। क्या जरूरत थी उस टीचर को इनवाइट करने की? शादी में दूल्हा दुल्हन को सब भूल गए थे, बस उसी को देख रहे थे। काम क्या करता है वो? बोला तो है किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करता है। कैसा प्रोजेक्ट, किस कंपनी में? इतना पता नहीं। कमाल की बात है लेरी, मुझे वाकई यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हें पता ही नहीं है कि वो करता क्या है। ठीक है पूछती हूँ। बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बिना कुछ सोचे समझे एक लड़की एक लड़के से दिल और जान से प्यार करने लग जाती है। उसके आगे उसे कुछ नहीं दिखता, उसे लगता है कि अब वही उसकी जिंदगी है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी जिंदगी बिताते हैं। 2 साल बाद उनके घर एक बेटी आती है,
वो खुशी से पागल हो जाते हैं। इस तरह उनकी जिंदगी चलती रहती है। अचानक एक सच्चाई सामने आती है कि लड़का उससे झूठ बोलता रहा, उसने धोखा दिया। वो कहता था कि वो एक बिजनेसमैन है, लेकिन दरअसल उसके पास कोई काम ही नहीं था, सब कुछ झूठ था। जब उससे पूछा गया तो उसके पास कोई जवाब नहीं था और उनके बीच झगड़ा हो गया। उनकी दूरियां बढ़ गई, प्यार नफरत में तब्दील हो गया। इतनी नफरत कि वो एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते थे। अब वो दोनों एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लेते हैं, लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि उनकी एक बेटी भी है। उनका डिवोर्स हो जाता है पर बेटी की जरूरत का ख्याल नहीं रखते, जो एक 12 साल की बच्ची थी जिसे माँ बाप दोनों चाहिए थे। उसकी दुनिया वीरान हो गई। उसका नाम श्वेता था। 7A रोजरी कॉन्वेंट हाई स्कूल में तुम्हारे साथ पढ़ा करती थी। उसकी दुनिया में सिर्फ उसकी माँ थी। गलती उनकी, सजा बच्ची ने भुगती। तुम सच में बहुत सीधी साधी हो लैरी। कितनी जल्दी भरोसा कर लेती हो। वो तुम्हारे भरोसे का फायदा उठा रहा है। इतनी सी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही। एक बार जरा ध्यान से सोचो। बाद में तकलीफें झेलने से अच्छा है जो फैसला लेना अभी ही ले लो। इसी में तुम्हारी भलाई है। मैंने तो कहा था गाड़ी में मत जाओ बैंकॉक। रास्ते में 5 बार टायर पंचर हो चुका है। उनकी गाड़ी की स्टेपनी का फोन आया था। भाई इन्हें समझाओ, हम थक गई हैं। एक्सक्यूज मी, आपको कुछ काम है? हाँ सर जी, 4:30 तक पहुंच जाऊंगा सर। विजय, स्मॉल चेंज है, बहुत शाम को बाहर जाने वाले हैं तो 11 बजे मिल सकते हो हमें? सर जी 10 मिनट बचे हैं। क्यों, तुम नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकता हूँ सर। देखो कल ही मेरा बेटा लाया है, ये थोड़ा महंगा है लेकिन तोहफा तोहफा होता है, उसकी कीमत नहीं देखी जाती। लेकिन अगर विजय को कामयाब बनाना है तो तुम्हें सख्त होना पड़ेगा। हे, गुड लक बेटा। थैंक्स पापा जी। इतना जोर चलेगा ना? मैंने आपको विजय के बारे में बताया था ना। ये विजय है ना? हेलो सर जी। हेलो। उस दिन प्रेजेंटेशन आधे में ही रह गई थी तो आज। रहने दो, उसकी जरूरत नहीं है। इट्स ऑलराइट सर जी, मेरे प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने के लिए आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके। विजय 1 सेकंड, हमने तुम्हें आज यहाँ स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं बुलाया। हमारे बॉस ने तुम्हें एक मौका दिया था पर तुम फेल हो गए, इसलिए तुम एक काम करो, इसके पेटेंट राइट्स के साथ अपना प्रोजेक्ट तुम हमें दे दो। अगर आइडिया सक्सेसफुल हुआ तो हम थोड़ा प्रॉफिट तुम्हें भी दे देंगे। तुम रेडी हो तो सर से बात कर सकते हो। सर मैं ये कह रहा था कि ये क्या मजाक है, ऑफिस में आने का सलीका नहीं पता इसको? भिखारियों की यहाँ जरूरत नहीं क्या समझे? भिखारी वो होता है जो दूसरों के टुकड़ों पर पलता है, जैसे कि तू, दूसरों के आइडिया चुराने वाले चोर। ए, जबान संभाल के बात कर। ओए तुझसे तो बात ही नहीं करनी है, बात तो दुनिया करेगी मेरे ऐप के बारे में, तब तू जबान संभाल के बात करेगा। इस फ्रॉड से मिलवाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब की। ए, गर्मी मत दिखा, जानता है मैं कौन हूँ? मुझे ये अकड़ मत दिखाना, तुझे अंदाजा नहीं है कि मैं कौन हूँ। आइंदा जो भी बात होगी पहले फोन पे बता देना, फालतू लोगों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। हेलो जी,
कहा हो मुझे मिलना है। ठीक है, कल मिलते हैं। कल नहीं, आज और अभी। मैंने डिसाइड कर लिया है, वो भी बहुत सोचने के बाद। मुझे नहीं लगता है कि हमारे बीच कुछ हो सकता है। यहाँ तुम्हारी याद मुझे बहुत सताएगी, इसलिए ये शहर छोड़ के जा रही हूँ मैं। क्योंकि अब मुझ में तुम्हारे झूठ सहने की ताकत नहीं है। अब मुझे दूसरों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवानी। तुमने मुझसे बहुत बड़ा झूठ बोला। कहा था कि तुम प्रोजेक्ट पर काम करते हो, पर तुम तो टीवी रिपेयर का काम करते हो। पहले जैसे अब तुम मुझे मनाने की कोशिश मत करना, क्योंकि इस बार मैं तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं बिता सकती। ऐसा कोई काम मुझे नहीं करना है जिसके लिए मैं आगे पछताऊं, क्योंकि सारी जिंदगी झूठे प्यार और दिखावे के लिए लोगों के सामने बस एडजस्ट करते रहे, ये मैं नहीं चाहती। इसलिए आज से हमारा रास्ता अलग। चलो हमारे रिलेशन को अच्छे से बरकरार रखते हैं। हम सफर नहीं तो हम साथी बनते हैं। तुम्हें और भी कुछ बोलना है या अभी भी कुछ बाकी है? हेल्दी रिलेशनशिप, रिलेशन को हेल्दी बनाने के लिए किसी जिम की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए भरोसा ही काफी है। बिना भरोसे के प्यार ज्यादा दिन नहीं टिकता, वो रास्ते में ही दम तोड़ देता है। पापा जी बोलते रहे शराब छोड़ दे, पर मैं नहीं छोड़ पाया। उस दिन तुमने गुस्से में बस एक बार कहा तो मैंने उसी दिन उसी पल से शराब छोड़ दी। प्यार एक तरह का स्टिकर है जो चिपक तो सकता है, लेकिन अगर तुम उसे निकालने की कोशिश करो तो वो उस जगह से निकल तो जाता है, पर फिर कहीं नहीं चिपकता, निशान छोड़ जाता है हमेशा हमेशा के लिए। उस दिन तुमने सर्विस सेंटर में सबके सामने मेरा कॉलर पकड़ कर मुझसे इस बारे में पूछा होता तो इतना बुरा नहीं लगता जितना इस बात का लग रहा है कि तुमने बिना मुझसे पूछे एक तरफा फैसला ले लिया, बिना सच जाने। ये जॉब बस खर्चा निकालने के लिए कर रहा हूँ, पर मेरा सपना वो ऐप है जो लोगों की जान बचाएगा, और ये मैं साबित कर सकता हूँ। पर बात सिर्फ कमाई की नहीं है, क्योंकि बाद में तुम मेरी बाइक को मुद्दा बनाओगी, बोलोगी शादी के बाद हम बच्चों के साथ इस पे कैसे बैठेंगे। फिर मैं पड़ोस से दो बच्चे लाके अपने और तुम्हारी गोद में बिठाऊंगा और आराम से पूरा शहर घुमाऊंगा। मैं खुद को हर बार साबित कर सकता हूँ, पर करूंगा नहीं, क्योंकि मैं थक गया हूँ। काम काज के सिलसिले से इम्तिहान तो देने ही पड़ते हैं। सोचा था शायद प्यार में तो थोड़ा सुकून मिल जाएगा, पर यहाँ भी वही हाल है, हर बात में सौदेबाजी। सच्चा प्यार वो होता है जब हम एक दूसरे पे आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अगर तुम लड़कियों को प्यार साबित करने के लिए ताजमहल भी बना दे और तुम्हारा मूड मुंह फुलाने का हो तो कहोगी कि तुमने क्या किया, ये तो मजदूरों ने बनाया। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होता। जिस तरह लड़कियों को डर होता है कि वो जिंदगी भर घर गृहस्थी कैसे चलाएंगी, उसी तरह लड़कों को भी डर रहता है कि वो अपने प्यार का यकीन कैसे दिलाते रहेंगे। मजलूम बनना आसान है, पर साथ निभाने की हिम्मत रखना मुश्किल है। अब मुझे जाना है। मेरे दिल से तो कब से जा चुकी हो। मैं मुंबई में हूँ, अपनी दीदी के घर पर। तुम ठीक तो हो? बिल्कुल। नई जगह, नए लोग, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। बेवजह उसके साथ रह के अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो। चलो मैं फोन रखती हूँ। बाय। सुनो, अगर डेडिकेशन नहीं है तो सपने क्यों देखते हो? मैंने फालतू में ही सीईओ से तुम्हारी सिफारिश की। तुम तो बहुत ही लापरवाह हो। सोशल मीडिया में टाइम पास के अलावा कभी मेल्स चेक करते हो? प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच किया था, जब काम हो गया तो पलट गए। सब मेल चेक किए थे, लैपटॉप और फाइल के साथ वहाँ पर गया भी था, फिर हुआ क्या? हमेशा की तरह मुझे वहाँ से एक बड़े से नो के साथ बाहर फेंक दिया गया। तो एक काम करो कि रहने दो, छोड़ियो, अपने सीईओ से मेरी सिफारिश करने के लिए थैंक यू, आपके सवालों के जवाब देने के लिए मेरे पास ताकत नहीं है, उसके लिए सॉरी। दोबारा कभी अपनी शक्ल मत दिखाना। आपकी मर्जी जी। इडियट।
जब देखो सर झुकाए चलती थी, सोचा एक बार, बस एक बार सर उठा के मुझे देख ले, मजा आ जाएगा। फिर उसने देखा, फिर सोचा एक प्यारी सी मुस्कान दे दे, तो वो भी दे दी। फिर प्रपोज करना चाह, उसको आई लव यू कहा, तो उसने भी आई लव यू टू बोला। लो जी फिर क्या था, सोचा जिंदगी फर्राटे से चलेगी, पर फिर ब्रेक लग गया। ये गैरों पे करम, अपनों पे सितम, सब ऐसा ही करती हैं। पहली बार प्यार हुआ था मैं तो उसी में फेल हो गया क्लासमेट। ये जो इश्क मोहब्बत है ना, हमारे बाल की तरह, अगर इसको वाकई रहना है तो घटिया साबुन इस्तेमाल करने के बाद भी रहे। एक बार इसने मूड बना लिया कि नहीं रहना है तो फिर शैम्पू, कांदा, लहसुन कुछ भी लगाओ नहीं रहे। इन शॉर्ट, बाल और मोहब्बत अपने बस टैक्सी में नहीं है। बोलती थी दाढ़ी बहुत सूट करती है, कभी मत निकालना, इसलिए ताकि जब तक साथ में रहो कोई और ना देखे और ब्रेकअप हो तो देवदास के नाम से हम बदनाम हो जाएं। कुछ भी। कमला का फोन। हेलो कमला, मैं तुम्हारा बगुला। हेलो 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 कमला। कमला हमला क्यों कर रही है? अजय भाई, व्हाट हैपेंड? सुबह से 20 बार कॉल कर चुका हूँ, फोन नहीं उठाया। अब फोन करके मुझे कुछ बोलने नहीं दिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। आजा आजा मेरे पास बैठ जा, ये आज का गर्मा गर्म मुद्दा है। देखो पता है लड़के और लड़की के प्यार में क्या फर्क है? वो काम खत्म करके फ्री होने के बाद हमसे प्यार करती है, और हम लड़के काम धंधे पे लात मार के सिर्फ प्यार करने के चक्कर में रहते हैं। मेरी कमला अलग है मिस्टर विजय, बिल्कुल अलग है। खोते दो। मैं कुछ कहना चाहता हूँ माय लॉर्ड। सोच कि तू तू है और मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। मेरी कमला पीती नहीं है, दिन रात उसके साथ रहते। चल अब तेरी कमला को फोन कर और पूछ ताना ताया। ओके, अच्छा एक्टिंग। वो कमला का फोन बज रहा है। ओ हेलो कमला। हाँ बोलो। बेबी ने खाना खाया? नहीं तो। नहीं खाया क्यों? खाने का मन नहीं खाने कर रहा है। मन क्यों नहीं कर रहा है बेबी? पेट में गुड़गुड़ हो रही है। कल तुमने गुड़ खाया था क्या? तेरा भेजा फ्राय खाया था। फालतू बात पूछेगा तो काट दूंगी। सुनो अगर पेट ज्यादा आवाज कर रही है तो हेडफोन पहन लेना। पेट का दर्द दिमाग में घुस गया है। क्या बोल रही है? बेबी तुम चिंता मत करो, मैं घर आके तुम्हारा सर पेट गला सब दबा दूंगा। फोन में घुस के मारूं क्या? रख। और अब सीन उल्टा करते हैं दोस्त। तेरी तमला तुझसे पूछेगी ताना ताया की नहीं चूना। फोन बज रहा है, उठा। ए नशा उतर गया क्या? असली वाला नहीं ओ यार, गटर में बह गया। सोना खाना खाया? हाँ खाया ना बेबी। सच में खाया क्या? नहीं खाया। तो फिर तूने झूठ का सहारा क्यों लिया? अगर सच बोलता तो उसे टेंशन हो जाती ना। देखा, इसका मतलब हम उनकी परवाह करते हैं, उनकी हर प्रॉब्लम को समझते हैं, पर उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, उन्हें हमारा प्यार दिखाई नहीं देता। ओए ठोको ताली, ठोको ठोको। क्लासमेट रोने का मन कर रहा है लड़की के लिए। छे गंदी बात। तो क्या मतलब है तेरा? उसके लिए क्या रोना जिसने मेरा दिल तोड़ दिया। रोना किस लिए? अपनी मजबूरी पर। सॉरी ड्रिंक एंड ड्राइव हो गया आज। सॉरी। मैं जवान हूँ और जवानी की पापा जी आप अभी तक सोए नहीं? जल्दी से हाथ धोकर खाना खाने आ जाओ। बस 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 आराम से खाना खाओ, गरम गरम कुछ बना कर लाता हूँ। अभी टाइम खराब चल रहा है, हमेशा थोड़ी चलेगा, भरोसा नहीं था तो मैंने बोल दिया जा यहाँ से। एक साल पहले ही मिले थे और इस छोटे से अरसे में हमने न जाने कितनी बार फोन पे, मैसेज पे, पेपर पे, जब भी कभी मौका मिला आई लव यू जरूर बोला। माँ के मरने के बाद आपने मुझे कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी, हर हाल में मेरा साथ दिया। फिर चाहे मैं नाकाम होकर आऊँ या फिर दारू पीकर आऊँ, कभी डांटा नहीं बल्कि समेट कर खाना खिलाया। उस हिसाब से लड़की को नहीं बल्कि हर वक्त आपको कहना चाहिए आई लव यू। आई लव यू पापा जी, आई लव यू फॉरएवर। आप पे 100 लड़कियां कुर्बान। कुछ और खाएगा बेटा, ले आऊं? नहीं जी बस, सॉरी रोना आ गया।
आप बचपन से कहते थे ना अच्छे बच्चे रोते नहीं, पर क्या करूं, ना प्यार में कामयाबी मिली ना काम में, बस नाकारा बन के रह गया हूं मैं। अगर आप ना हो तो मैं कुछ भी नहीं हूं पापा जी, कुछ भी नहीं हूं। मैं अपने मुंह से अपने बेटे की क्या तारीफ करूं, मेरा बेटा ऐसी कंपनी में काम करता है कि उसे हर महीने लाखों की तनख्वाह मिलती है, लेकिन तुम्हारे बेटे को कोई एक रुपया नहीं देने वाला। मोहब्बत में नाकाम रहा, रोज नशा करके घर आता है, ऐसे को कौन नौकरी देगा? और एक मेरा बेटा है, बड़े बड़े लोग उसे सलाम ठोकते हैं। हाँ अगर तुम कहो तो मैं अपने बेटे से बात करता हूँ, चपरासी की नौकरी तो मिल ही जाएगी, कुछ तो कमाएगा वो। क्या हुआ, क्या आफत आ गई है? टिंकू कार्टून चैनल देख रहा था और लाइट चली गई। मैं आपसे कब से कह रही हूँ इन्वर्टर ले आइए, पर आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं। टिंकू ने पूरा घर सर पे उठा लिया है, अब आप ही जाके मनाइए उसे। घर में है ना इलेक्ट्रिक इंजीनियर, क्यों सर खा रही हो विश्वा? नहीं नहीं नहीं, जब बिजली का कोई काम करना हो तो उसके लिए चाहिए रबर चप्पल्स। रबर चप्पल्स डैड, क्या आप जानते हैं रबर चप्पल्स इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर्स होते हैं। इंजीनियरिंग में टॉपर रहा है। अरे रोना बंद कर, बोलो ना लाइट आ जाएगी। फेस वन लाइट आ रही है। फेस वन तो ऑन कर दिया, वोल्टेज ओके। चुप हो जा, क्यों कान खा रहा है? रो रो के नाक में दम कर दिया है, आप ही समझाइए ना। आ जा बेटा। जी पापा जी। चुप हो जा। मैंने एसी ऑन किया था तो ट्रिप हो गया। तो यहाँ क्या कर रहे हो, मेन बोर्ड के पास चलो। अरे अरे देखो टीवी आ गया, देखो। वोल्टेज की प्रॉब्लम हो तो मेन बोर्ड ट्रिप हो जाता है, गाड़ी खराब हो तो बोनेट खोलना चाहिए, उसकी डिक्की नहीं। ये तो बेसिक है यार। विश्वा आया माँ। बेटा रुको जरा, ये भाई साहब तुम्हारी नौकरी को लेकर बड़े परेशान है कि तुम्हारी इतनी उम्र हो गई फिर भी तुम बेकार हो, तो ये अपने बेटे से नौकरी के लिए तुम्हारी बात कर लें। मतलब ये कि प्रॉब्लम की तह तक जाकर ही उसे सॉल्व किया जा सकता है, बेसिक प्रिंसिपल है ये। इतनी समझदारी वाला खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। बरखुरदार, रोज मूड बनाने कहां जाते हो? पापा जी मुझे तो पता है, भाई साहब के लिए बता दो। अमेरिका बार एंड रेस्टोरेंट है ना, जहाँ से उस छोकरे ने फोन किया था। भाई साहब मेरा बेटा वहाँ जाकर मूड बनाता है। बेटा इन केस वो बार किसी दिन बंद हो तो कहाँ जाओगे? आगे जाके शंकरी बार है। इस छोटी सी जरूरत के लिए भी तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। एक ठिकाना बंद हो तो दूसरा पता है तुम्हें। वैसे ही एक लड़की के जाने से जिंदगी रुक नहीं जाती। भाई साहब को लगता है तुम ये नहीं जानते। तुम्हारा लव अफेयर सक्सेस नहीं हुआ मान लिया, लेकिन अब दिल तोड़कर बैठ जाना, उसी के बारे में हमेशा सोचते रहना कि लड़की को फिर से कैसे मनाऊं, इन बातों पर वक्त बर्बाद करने की बजाय उन्हें छोड़कर जिंदगी नए सिरे से शुरू करोगे, ये भाई साहब को कैसे समझाऊं? करियर से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं, और जब उसे अहमियत दी जाएगी तो वो हमें अहमियत देगी और कामयाबी खुद चल कर आएगी। भाई साहब को लगता है तुम्हें ये नहीं पता, ये ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ खाना नहीं जो कुछ ही पलों में डिलीवर हो जाएगा। कामयाबी के लिए वक्त देना पड़ता है बेटा, इतना बेसिक प्रिंसिपल भी नहीं जानता। लगता है अब तेरी आंखें खुल गई, जा फ्रेश होकर। कैसी है मैडम जी, प्रोजेक्ट के बारे में 2 मिनट डिस्कस करना था, प्लीज सुनिए ना। प्लीज मैडम जी, आई एम रियली सॉरी मैडम जी, बस 2 मिनट दे दीजिए, सब कुछ समझा दूंगा। अरे तकलीफ क्यों उठा रही है, बैठिए बैठिए। जब तक आपका सैंडविच खत्म होगा मेरी भी बात पूरी हो चुकी होगी। क्या नाम था उसका, वो जो बात करता है तो ऐसा लगता है कि कान में कांटे चुभा रहा हो, वो अकड़ू घमंडी किस्म का? हाँ, जनार्दन, जो हेलमेट की मिसाल देकर ज्ञान झाड़ रहा था ताकि मुझे लगने लगे कि मेरा ऐप तो किसी काम का ही नहीं है, और बाद में वो मुझसे सस्ते में खरीद के खुद उसको मार्केट में महंगे दाम में बेच सके।
फालतू बात बंद करो। दुनिया में इस तरह के लोगों की ना कमी नहीं है। कहाँ कहाँ बचते फिरोगे, मेरी मेल का जवाब तक नहीं दिया तुमने। इस तरह से काम नहीं होता। मैं कैसे यकीन करूँ कि तुम अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस हो? यकीन, पहली बार जब मैंने प्रेजेंटेशन दिखाया था, मुझे लगा था कोई और नहीं तो कम से कम तुम उसे जरूर एनकरेज करोगी, क्योंकि मैंने देख लिया था तुम्हारी आंखों में वो यकीन था। Hey! तेरी कोयल तू मेरा कौआ, चल चौपाटी पे खाते हवा। हेलो हेलो मैडम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक नहीं, कुछ कर पाओगे? नथिंग मैडम, मेरी बॉस से बात हुई है। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मुझे मुंबई आना पड़ेगा। तो आप मुंबई आ रही हो? ओके मैडम, मिलते हैं। प्रभु, इनका मुंबई आने का क्या इरादा है? मेरी हस्ती खिलती जिंदगी को बर्बाद क्यों कर रहे हो? अन्ना रास्कला, शट अप। हाँ बोलो। खाना खाया बेटा? और कोई काम नहीं मुझे, सिर्फ खाना खाती रहूंगी। अभी तक नहीं खाया? अभी बात नहीं कर सकती। माँ से नाराज हो गया? नाराज हूँ या नहीं, उससे तुम्हारा क्या मतलब? सॉरी जी। इंटरेस्टिंग, लाइफ की सेफ्टी तो होनी ही चाहिए, करेक्ट कह रहा हूं ना? जी सर जी। आखिर किसी की जान से ज्यादा कीमती हो भी क्या सकता है? मुझे लगता है तुम लोगों को इस पर और काम करना चाहिए, जैसे कोई डेमो। हाँ क्यों नहीं सर, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अगर बाकी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इसको मंजूरी देते हैं, तब बेशक हम इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। राइट सर। जी सर जी। लेट्स सी, तुम लोगों को यहाँ पर एक हफ्ते के लिए रुकना होगा। हफ्ता जनाब, काम एक ही हफ्ते में खत्म नहीं किया जा सकता। कल करे सो आज कर। दैट्स फाइन सर, जितना भी वक्त लगेगा हम रुकेंगे। ठीक है। गई भैंस गटर में। जब एक हफ्ता यहाँ पर रुकना ही है तो बस्ती में एक कमरा बुक करा दूं? तुम्हारे घर पे भी रह सकते हैं। मेरा घर? नहीं नहीं नहीं, मेरा घर तो बहुत ही छोटा है, तकलीफ हो जाएगी। हेलो, हम यहाँ टाइम पास करने नहीं आए हैं, ना ही हनीमून में खिड़कियों से व्यू देखने आए हैं। चलो अब। हनीमून में खिड़की क्यों? हमें बहुत फोकस होके काम करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जनार्दन भी है, वो कुछ ना कुछ अड़ीबाजी कर सकता है। हम गलती बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना होगा। फिक्र ना करो, पूरी तैयारी है। ये पेंटिंग सुंदर है। अच्छा, खाने का क्या इंतजाम है? बहुत भूख लगी है। माफ कीजिए मैडम, गैस सिलेंडर दरअसल लीकेज है, तो पूरा का पूरा गैस गायब हो गया। आप लोग हाथ मुंह धो लो और बाहर ढाबे पे कुछ खा लो। मैं तो नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं हवा जो खा रहा हूं। मैं तो बहुत थक गया हूं। अरे नजदीक में ही है, 60 रुपए थाली। चलो एक काम करते हैं, जोमैटो से ऑर्डर कर दो। जोमैटो? मैडम आपने वो क्लिप नहीं देखी, पहुंचाने वाला बॉक्स निकाल के उसमें से खा रहा था। इससे अच्छा तो आप लोग ढाबे पर जाके खा लो ना, वो अच्छा रहेगा। चुपचाप ऑर्डर करो, मेरे लिए एक पनीर मसाला, एक नान, लार्ज फ्राइज और एक बिग मैक, ठीक है? मुंबई आके सी फूड नहीं खाया तो क्या खाया? एक फिश फ्राई और क्रैब मसाला। मुंह पे 12 क्यों बजे? फटे मुंह। कुछ खा क्यों नहीं रहे? अभी नहीं, मैं 9 बजे के बाद खाता हूँ, मुहूर्त देख के। ओ भाई कुछ खा ले। मैं पानी में ही खुश हूँ। क्या बात है, ये पेंटिंग तो मेरे दिल को छू गई। चांदनी रात, बीच समंदर में एक नाव। मुझे तो ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत लग रही है। अगर सच में ऐसा होगा तो मैं तो बर्बाद हो गया। लग रहा है इस बेरंग पेंटिंग के पीछे कुछ रंगीन राज छिपा। अरे क्या कर रहे हो?
चलिए टेरेस पे। आपको पता है घर का किराया कितना है? बताइए। 10,000। 10,000 में रेलवे लाइन के बाजू में भी नहीं मिलेगा। 40,000। हाँ, यह मुंबई है। यूरोप भी मुंबई के आगे पानी कम चाय है, पता है ना? वहाँ का पानी महंगा है। आपने जो खाना ढूंढा है ना, उतने पैसे का खाना मैं पूरे साल भर चलाता हूँ, समझ गए? अगर एक साल आप यहाँ रुके ना, तो मुझे पूरी जिंदगी भर कंकड़ खाने पड़ेंगे आपकी वजह से। यार तो जाके उसको सीधा बोल देना। वही तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि ये वो शख्स है जिसे मैं कुछ भी कह नहीं सकता। घंटी? एहसान फरामोश नहीं बन सकता। ओ। अगर वो ना होती तो गाय भैंसों को चारा खिला रहा होता। अगर मैंने कुछ कहा तो वो कहेगी मेरी वजह से तुम्हें खाना मिल रहा है, मेरी वजह से तुम चैन से सो रहे हो, मेरी वजह से तुम ऐश भी कर रहे हो, और अब तुम मेरे सामने बोलने की हिम्मत भी कर रहे हो। यार फिर तू उसे बहन क्यों बोलता है? अगर मैं उसे बहन ना बोलूं ना तो सोचेगी कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल वो ऐसी चिड़िया है ना जिसे दूसरी चिड़िया पसंद नहीं है। अरे बहुत ही खड़ूस किस्म की है वो। एक दिन उसकी माँ ने फोन किया और सिंपली एक सवाल पूछा कि बेटी खाना खाया? तो उसने क्या किया, गुस्सा हो गई। फिर मैंने सवाल पूछा ये कोई तरीका है बात करने का? तो वो बोली कि वो मेरी माँ है, तुम्हारी माँ नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हारे सामने भी सेम नाटक। वो सही नहीं है, बहुत ही बेकार है। उसकी खूबसूरती पर जाओगे तो बर्बाद हो जाओगे, ऊपर से नीचे तक गुस्सा ही गुस्सा। मेरे इनकार करने के बावजूद वो विजय को मुंबई ले गई। हाँ जानता हूँ, आपने क्या सोचा है? वहाँ प्रोजेक्ट पास कराने से कुछ नहीं होगा, आखिर में मेरी मंजूरी के बिना प्रोजेक्ट पास नहीं होगा। या जो मैं दूंगा नहीं। आपसे पंगा लेके कौन बच सकता है सर? शेर के मुंह में हाथ डाला है तो झेलना तो पड़ेगा ही। अच्छा मैडम, आप खुद के अलावा किसी पर भरोसा करती ही नहीं हो। मैं कह रहा हूँ कि आपको इस आदमी में ऐसा क्या दिखा? क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड है, उसका आइडिया ग्रेट है, और मैं उसे पर्सनली जानती हूँ। आपका नेटवर्क जैसे इस्तेमाल करो। ये शक्ल पे ऐसे 12 क्यों बजे हुए हैं? वापस कुछ कांड हुआ क्या? यार मेरा ब्रेकअप ऐसे ही मेट्रो में हुआ था दोस्त, और मेरे मोहब्बत की ओपनिंग मेट्रो से शुरू हो रही है। तुम्हारी होने वाली भाभी मुझे बार बार देख रही है। ए, मेरी बर्बादी ऐसे मत देखो जिससे मैं बर्बाद हो जाऊं। जरा धीरे धीरे आराम से, अब मुड़ जा। ऐसा क्यों लग रहा है कि तूने मेरी बैंड बजा दी? क्योंकि मैं ही उसका बॉयफ्रेंड था। आशियाना बसने से पहले ही उजड़ गया। क्या मैं जाके उससे बात करूं? कोई जरूरत नहीं है, उससे अच्छा अलग हो जाओ। तुम दोनों की जोड़ी कहीं से भी मैच नहीं करी। जैसे ही लड़की मिली तो दोस्त को भूल गया। ए भाई, भूत से बात कर रहा क्या? मसाला डोसा, चल जाए यहाँ से। कैसी हो तुम? मैं जैसी भी हूँ अपनी जगह पर ठीक हूँ, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं यहाँ इसकी टीवी ठीक करने आया हूँ, तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा हूँ। टेलीविजन? प्रोजेक्ट की बात पे तो यकीन होगा नहीं। ओए, दरवाजे 10 सेकंड के लिए खुलेंगे, चलो निकलो। खड़े क्यों? इतनी रात को अकेली कैसे जाएगी? ओ मजनू की औलाद, मैं भी तो अकेले ही सफर कर रहा हूँ ना। अरे सुनो, ये ऐसे दाढ़ी वाले लोग ना कभी सुधरने का नाम नहीं लेंगे। हट। चलो तुम जाओ, दीदी आ रही है मुझे लेने के लिए। लहरी, इतने दिनों बाद हमारा या मिलना कोई इत्तेफाक नहीं,
जरूर ये कुदरत भी हमें मिलाना चाहती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस बारे में जरा सोचो। क्या बोल रहे हो यार, इसी ने तुम्हें रास्ते पर लाया था? असल बात बताओ, तुम यहाँ पर काम के लिए आए हो या उस लड़की के लिए? आया तो प्रोजेक्ट के लिए हूँ, पर लड़की भी मिल जाए तो मजा आएगा। यार अब तुम ना फिर से मुझे बिल्ली रास्ता काट गई। ये प्रोजेक्ट में कोई दम नहीं है मैडम, समय की बर्बादी। प्रोजेक्ट के बारे में क्या नॉलेज है, जितना कहा उतना करो। जितना जमा किया था तुरंत खत्म कर दिया, इतना कोई खाता है क्या? मुझे तो बर्बाद करके छोड़ेगा ये। पैसे बर्बाद करके फिल्म क्यों देखना, टीवी पर तो आ ही जाएगी। तू तो मेरे से बड़ा भिखारी है, बोनी का टाइम खराब कर दिया। हाँ पापा जी, 4 दिन में आ जाऊंगा। बस तेरे आने का इंतजार है, फिर दोनों साथ खाएंगे। इसने एक डिवाइस बनाई है जिसे टेस्ट करना है, बताओ इन्हें। उससे सीधा एम्बुलेंस को मैसेज आएगा। रिस्पांस कैसा है मैन? फिलहाल पॉजिटिव है, बाकी सब डेमो पर है, एक बार हो जाए तो वापस आ जाऊंगा। यार अपनी दाढ़ी क्यों नहीं शेव कर रहे हो, कल तुम्हारी मीटिंग है ना? ओए ना रे, मेरी वाली को दाढ़ी पसंद है। पर तुम्हारी दुनिया तो उजड़ गई थी। ओ यार, सिचुएशन इज लाइक। यार हिंदी में बात करो ना, हम हिंदुस्तानी है यार, अंग्रेज जाते जाते अपनी आदत लगा गए। जल्दबाजी में मैंने फैसला करके दरवाजा ही बंद कर दिया। अच्छा, जबकि उसके आने की उम्मीद में मुझे खुला रखना चाहिए था। अब यार उसकी यादों का झोंका दिल के दरवाजे पर आता है जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, खटाखट 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 धक्का मारते रहता है। बकवास बंद करो, लड़कों का प्यार सिर्फ दिखावा है, सब नौटंकी है। लड़के कितने पानी में होते हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। हाँ भाई साहब, आजा आजा। हम यहाँ क्यों आए हैं, इरादा क्या है तुम्हारा? एक सरप्राइज है। सरप्राइज है? बस एक सेकंड, शुरू करें। हम कहाँ जा रहे हैं? पेंटिंग के नजारे को तुम फील करना चाहती थी ना, तो एक्सपीरियंस कैसा लगा? अच्छा है ना? वापस चलो। मजा नहीं आ रहा क्या? कहा ना वापस चलो, आगे जाने पर और सुंदर नजारा दिखेगा। मैंने कहा वापस चलो। पेंटिंग की खूबसूरती तुम्हें बहुत अच्छी लग रही थी, जब उसका तजुर्बा किया तो उससे डर गई है ना? ज्यादातर यही होता है, किसी के नजदीक जाए बिना दूर से ही देखकर किसी को जज करना कि वो इंसान गलत है सही नहीं होता। तुम्हें लड़कों का प्यार नाटक लगता है ना? प्यार हमारे लिए चक्रव्यूह की तरह है और लड़के अभिमन्यु की तरह है, उनके लिए प्यार में पड़ना आसान होता है, और एक बार प्यार हो गया तो वो उसमें से कैसे निकलेंगे ये कोई नहीं जानता।
इसीलिए चाहे वो साथ हो या ना हो, जब भी उसकी याद आती है तो मैं अपने दिल की बात बोल देता हूँ। तुम उन लोगों में से हो जो हर चीज में अच्छाई ढूंढ लेते हैं। अगर गौर से देखोगी तो मेरे प्यार में भी सच्चाई दिखेगी। क्या बात है, मुस्कुरा रही हो? हाय रेरी, कैसी हो? आज तुम बदली बदली से लग रही हो। मेरी जिंदगी में कोई आ गया है। हाँ? इश्क हो गया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लेकिन लड़का अच्छा है। जो भी मुझसे प्यार करेगा वो दो दिन से ऊपर टिक ही नहीं सकता है। मैं हूँ ही ऐसी, कोई नहीं टिक सकता। खैर तुम बताओ। ठीक हूँ। अच्छा, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना था। तुम्हें याद है मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड से बिना मिले उसके बारे में बुरा भला कह दिया था? शायद मैं गलत थी। अब तो सब खत्म हो गया है। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। मुझसे ज्यादा तुम उसे बेहतर समझती होगी क्योंकि तुमने उसके साथ वक्त बिताया है और तुम उसे अच्छे से जानती होगी। पता नहीं यार, मैंने बिना उसे मिले उसके बारे में एक धारणा बना ली थी। हेलो जी, तुम अभी भी इसी शहर में हो? हाँ। क्या हम मिल सकते हैं? जरूर। ठीक है, लोकेशन भेजती हूँ। ठीक है, बाय। सुनो, यहाँ पर खड़े खड़े सपने देखते रहो और मैं अंदर जाके तुम्हारी अपॉइंटमेंट आगे ढकेल देता हूँ। नहीं नहीं, चलो। गो अहेड। एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम, ये ऐप लोगों की जिंदगियां बचा सकता है। आइए इसकी डिटेल्स में जाते हैं। कोई भी गाड़ी जिसका किसी भी समय कहीं भी एक्सीडेंट हो जाए और उसमें बैठे सारे लोग बेहोश हो जाएं तो कार के ओबीए पोर्ट से जुड़ा हुआ ये डिवाइस इंजन की स्पीड को तुरंत कम करेगा और यही डिवाइस इंजन से मोबाइल पर डाउनलोड किए गए एक्सीडेंट अलर्ट ऐप को भी सूचना भेज देगा जो GPRS के थ्रू जिसमें पहले से ही वो पते फीड किए गए होंगे जैसे आसपास के हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन और ब्लड बैंक्स, उनको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन भेज देगा। तो इस तरह घायल लोगों को मदद पहुंचने में और उनकी जान बचाने में ये डिवाइस बहुत मददगार साबित होगा। नाइस। किसी को कुछ कहना है, कोई सवाल? पर एयरबैग्स का पर्पस भी तो सेम ही है। करेक्ट सर जी, बट एयरबैग्स के होते हुए भी बहुत से लोग जान गंवाते हैं। आंकड़ों के हिसाब से 90% केसेस में लोग खबर देर से मिलने पर मारे जाते हैं। इसी प्रॉब्लम का सलूशन है ये डिवाइस। सर, इनका कॉन्सेप्ट है कि बिना किसी की मदद के ये ऐप लोगों को मैसेज भेजेगा, लेकिन इनका ये ऐप मोबाइल के बगैर तो चलेगा नहीं। अगर मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया तो ये ऐप किस काम का? आई डोंट थिंक इससे कोई प्रॉब्लम होगी सर। लोग अक्सर अपने साथ पावर बैंक्स और चार्जर्स कैरी करते हैं। इनफैक्ट हम जब बाहर जाते हैं तो हम अपने मोबाइल्स को पूरी तरह से चार्ज करके ले जाते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं कि फोन स्विच ऑफ हो जाएगा? नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। एक्सीडेंट में मोबाइल गिरकर टूट जाने से स्विच ऑफ भी हो सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। पर सर, ऐसा तो कभी-कभी होता है। एक मिनट। हाँ, तुम बोलो। ऐसा तो बहुत ही कम बार होता है सर, तो फिलहाल के लिए ये सारी बातें बीच में क्यों लाना? और इससे तो बहुत सी जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। माना कि हर किसी को इस डिवाइस का फायदा नहीं मिल सकता, लेकिन कुछ को तो मिल सकता है। सर, आजकल मीडिया के जरिए अफवाह सुनने पर भी लोग मरने मारने पर उतर आते हैं। खुदा ना खास्ता इसके ऐप की वजह से ऐसा हुआ तो ये ऐप हमारी कंपनी को डुबा के ही छोड़ेगा। इतने सालों की कंपनी की रेपुटेशन खत्म। हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए सर, हम इसका हल निकालेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, इसका कोई हल नहीं निकलने वाला। मेरी बात को सीरियसली लीजिए सर, इसका ऐप कामयाब नहीं हो सकता। जानते हैं क्यों? क्योंकि इसे एक नाकामयाब इंसान ने बनाया है। ये शख्स मुझसे दिल्ली में मिलने आया तो मैंने इसे सलाह दी, इसमें कुछ कमियां हैं उसे ठीक कर लो तो मैं स्पॉन्सरशिप दिला दूंगा। पता है इसका जवाब क्या था? तुम रहने दो, मुझे स्पॉन्सरशिप की जरूरत ही नहीं है। भरत, बताना। यस सर। माशाल्लाह, इनके ट्रैक रिकॉर्ड का तो जवाब नहीं। ये जमीन को भी छू दे तो वो बंजर बन जाए, और इनके बर्बादी का तो कोई ठिकाना ही नहीं है सर। मेरे ख्याल से ऐप का धंधा पकड़ने के बजाय ये टीवी मैकेनिक वाला धंधा पकड़े तो बेहतर होगा। अब तो एग्जिट हो गया। विजय, छोड़ दो उसे, मैंने कहा छोड़ दो। सर देखिए इसकी असलियत, अगर कोई सलूशन है तो वो बताओ। ये सब क्या है?
अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बात सब तक पहुंचे, तो उसके लिए सिर्फ टैलेंट ही काफी नहीं है, सलीका होना चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए और सबसे ऊपर सब्र। ये सब जरूरी है। अगर ये सारी खूबियां तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम कितने भी टैलेंटेड हो, तुम बिल्कुल बेकार हो। गेट आउट फ्रॉम हियर। आने दो, आने दो, आने दो। अरे कुछ नहीं होगा। तुम विजय को फोन क्यों नहीं कर रहे? इससे कुछ भी नहीं होगा मैडम। श्वेता, तुम यहाँ? विजय की माशुका है। विजय, विजय प्लीज मुझे माफ कर दो, मेरे ही कहने पर इसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। आई एम रियली सॉरी, आई स्वेयर इसमें इसकी कोई गलती नहीं, ये सिर्फ मेरी वजह से हुआ। हो, तुमने कहा तो चली गई, आज कहा तो वापस आ गई, कल को कोई और कुछ कहेगा तो? ऐसे मत बोलो विजय। अपनी मर्जी से मुझे छोड़ भी देती ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अब हो रही है। सुनो तो प्लीज, सिर्फ तुम ही नहीं पूरी दुनिया हंस रही है मुझ पे, निठल्ला समझती है मुझे, रत्ती रत्ती भर भी भरोसा नहीं है किसी को। अब तो मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि मैं किसी काम का नहीं हूं। अरे सुनो विजय, विजय जी। चंपा कली इधर देखो ना। आयो अम्मा पलटो, कैमरा तुमको खोजती। Why don't you listen to me? चंपा कली पलटो ना। सुनो, तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो? बेटा, जब ही तुम्हारा दिल करे तभी मुड़ना, जब ही तुम्हारी मर्जी हो तभी हंसना और अपनी मर्जी से ही रोना। जो दिल चाहता है वही करो, कोई कुछ भी बोले, डिसीजन खुद ही लेना। नहीं तो मेरी तरह जिंदगी भर रोना पड़ेगा तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक है। ऐसे उदास रहेगा तो कैसा चलेगा, अपनी शक्ल तो देख।
चलो बेटा, मैंने कहा चलो बेटा। नहीं चलना है मुझे, कब तक चलेगा ये? मेरे रास्ते में कितनी रुकावटें हैं और कितनी बार करूं? बार बार कोशिश करता हूं, हिम्मत जुटाता हूं, पर जब कुछ मिलना ही नहीं है तो कोशिश करूं ही क्यों? मैं कभी कुछ नहीं बन सकता हूं। एक कदम भी बढ़ाता हूं तो मुंह के बल गिरता हूं। मेरे लिए वो टीवी सेंटर का जॉब ही बिल्कुल सही था। इस दुनिया में मेरी औकात ही क्या है? सुबह उठ के दांत घसो, दोपहर में दारू पियो और रात को पड़ जाओ। अरे छोड़ दीजिए। छोड़ दूं मतलब? छोड़ दो मतलब आप नहीं समझेंगे। मैं नहीं समझता या तुम? हमारे जमाने में हमसे भी गलतियां हुई हैं, पर हम उसे नजरअंदाज नहीं करते थे। छोटे से छोटी गलती भी ढूंढ ढूंढ कर निकालते थे, उसे सुधारते थे, फिर आगे बढ़ते थे। लेकिन तुम्हारी जनरेशन की यही प्रॉब्लम है। अगर कोई चीज या कोई इंसान या कोई सपना रास ना आए तो उसे वहीं छोड़कर आगे कुछ और ढूंढने निकल जाते हो। अगर हर चीज यूं ही छोड़ते रहे तो आखिर में हाथ खाली का खाली रह जाएगा। अगर कभी कोई मुसीबत आ जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते? प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं करते? अगर तुम्हारे किए हुए काम में से कोई नुक्स निकालता है तो उसे उसका जवाब दो, और अगर जवाब पता नहीं तो ढूंढो। एक बार अपनी गलतियां सुधार कर तो देखो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। सालों से भगवान की पालकी का बोझ इन कंधों पर उठाता रहा, पर तुम्हारी जिम्मेदारी का बोझ इन कंधों से कभी नहीं उतर पाया। अब ये बोझ और नहीं उठा सकता बेटा। सारा बोझ मैंने हंसते हंसते उठा लिया अब तक। जरा सोच, अब भी वही गलतियां दोहराएगा? इंसान अपनी प्यास बुझाने के लिए आंखों से आंसू की नदियां नहीं बहा सकता। तुझे तो अनसुना करने की आदत हो गई है, मेरी बातों को भी अनसुना कर देना। अब चल। हेलो। मैंने कई बार अपने दिल की बात तुमसे बतानी चाहिए पर कह नहीं पाया। मुझे डर है कि आज मैंने तुम्हें यह बात नहीं बताई तो तुम्हें यह बात कभी पता ही ना चले। इस डिवाइस की इंस्पिरेशन तुम हो। ये बात 3 साल पहले की है, जब मैं दिन रात इसी सोच में पड़ा रहता था कि जिंदगी में क्या बनूं। साइंस सेमिनार से घर लौटते वक्त मैंने देखा कि एक गाड़ी पेड़ से टकरा गई है और उस गाड़ी में तुम थी। तुम बेहोश थी। मैं डर के आसपास देखने लगा पर वहां पर कोई नहीं था। तुम्हें बचाने के लिए मुझे आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुंचना ही था, वरना तुम्हारी जान जा सकती थी। बड़ो, बड़ो, बड़ो। जब डॉक्टर ने इलाज के बाद मुझसे कहा कि तुम आउट ऑफ डेंजर हो, तब जाके मेरे दिल को सुकून मिला। और उसी वक्त मैंने सोचा, अगर तुम्हें वहां पर कोई देखता नहीं या तुम्हें सही वक्त पर हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता तो हकीकत कुछ और होती। जो डिवाइस तुम्हारी वजह से डिजाइन किया गया था, जब उस प्रोजेक्ट को लेकर मैं तुम्हारे ऑफिस पहुंचा तो मैंने सोचा कि तुम्हें सब कुछ बता दूं, लेकिन फिर सोचा कि कहीं तुम ये ना सोचो कि मैं अपना काम निकलवाने के लिए तुम्हें ये सब बता रहा हूं, इसलिए मैंने ये बात छुपाई। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है। तुम कहां हो विजय, ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मैंने सिम को डिवाइस से सीधे जोड़ दिया है, मोबाइल की कोई जरूरत नहीं। ऐसी गलती मत करो विजय। विजय, विजय, इसका ऐप कामयाब नहीं हो सकता। मार्शल लैंड के ट्रैक रिकॉर्ड का तो जवाब नहीं। ये जमीन को भी छू दे तो वो बंजर बन जाए। ऐप का धंधा पकड़ने के बजाय ये टीवी मैकेनिक वाला धंधा पकड़े तो बेहतर होगा। अब तो एग्जिट हो जाए। अच्छे भले सूट का पोछा बना दियो तुमने, इसीलिए सूट किराए पर लिया था क्या? 1000 का सूट मैंने 800 रुपए किराए पर दिया, कल सुबह आकर पाई पाई चुका देना। मैंने डिसाइड कर लिया है, वो भी बहुत सोचने के बाद। मुझे नहीं लगता है कि हमारे बीच कुछ हो सकता है। आज से हमारा रास्ता अलग। अगर कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसका सामना क्यों नहीं करते, उसे सॉल्व क्यों नहीं करते?
हेलो कंट्रोल रूम, बेटा हमारी अगली कहानी है लेटेस्ट सेंसेशन ऑफ द सिटी, विजय तलवार। कुछ लोग कहते हैं कि उसने बहुत सही किया, कुछ लोग कहते हैं बहुत गलत किया, तो कोई कहता है कि ये वक्त की जरूरत थी। जितने लोग उतनी बातें, ओनली टाइम विल टेल कि कौन सही है। देश विदेश के जितने भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो विजय के आइडिया में इंटरेस्टेड हैं और इसके पेटेंट राइट्स विजय के पास है, लेकिन अफसोस तो यह है कि उसे इसकी कीमत का अंदाजा ही नहीं। ब्रेकिंग न्यूज, अगर विजय का बनाया हुआ प्रोजेक्ट कोर्ट अप्रूव कर देता है तो वो लोगों की जान बचा सकता है या नहीं, इसी बात की सच्चाई को साबित करने के लिए विजय तलवार ने इस तरह के कार एक्सीडेंट को अंजाम दिया। अब देखना है कि कोर्ट इसे अपराध मानती है या नहीं। अपनी जान को खतरे में डालकर क्या विजय तलवार को वो सफलता मिलेगी जो वो चाहते हैं? योर ऑनर, सरकारी माल का नुकसान, लापरवाही से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, बिजली के खंभे को तोड़ना और इन सबसे भी बड़ा क्राइम दफा 309 आत्महत्या की कोशिश। हाँ? केस की पूरी फाइल आपके टेबल पर है योर ऑनर। विजय तलवार, क्या इस मामले में तुम्हारी कोई अपनी राय है? मुझे अब जाके पता चला है कि मेरे ऊपर इतने सारे मुकदमे किए गए हैं, इंजीनियरिंग के अलावा शायद लॉ भी पढ़ लेना चाहिए था। हमेशा सोचता था कि मेरा नाम विजय क्यों रखा, जब मौत के मुंह से बचा तब समझ में आया। ये भी सोचा था कि मेरे ठीक होने के बाद लोग मेरा सम्मान करेंगे, तारीफ करेंगे, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। मैंने जान जोखिम में इसलिए डाली ताकि मैं प्रूव कर सकूं कि मेरा प्रोजेक्ट काम करता है और जान बच सकती है। क्या प्रूव करना था? एक बस कंडक्टर सुपरस्टार बन सकता है, चाय वाला प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, 60 साल का आदमी केएफसी का ब्रांड शुरू कर सकता है, लेकिन उन्होंने ये सफलता सब्र से हासिल की। तुम तो सिर्फ एक और बेसब्र और गैर जिम्मेदार नौजवान हो, दैट्स इट। ये सोशल मीडिया की बीमारी ऐसी है कि इसके लगने से आजकल हर कोई खुद को हीरो समझने लगा है। ये उसी बीमारी का उदाहरण है। अब इसको देख के बाकी इसकी नकल करेंगे? अब ये तो उस एक्सीडेंट में बच गया, पर बाकियों की क्या गारंटी? इस कलंक को मिटाना ही होगा। इसे अपनी जिंदगी की कीमत तब समझ में आएगी जब इसको सजा होगी और इसका प्रोजेक्ट बैन हो जाएगा। इस पागलपन को रोकने का यही एक तरीका है योर ऑनर। मैडम, ये क्या नाम सुना रहे हैं? गलत है ये। सबकी भलाई सोचना क्या गलत है? आखिर आप चाहते क्या? उसने किसी का खून नहीं किया योर ऑनर, उसने सिर्फ भलाई के बारे में सोचा। शांत हो जाइए, ये नाइंसाफी है। विजय ने कुछ गलत नहीं किया, आप ऐसा नहीं कर सकते। नाइंसाफी है ये, क्या है योर ऑनर? ये कोर्ट है या मछली बाजार? ऑर्डर, ऑर्डर, द कोर्ट इज एडजर्न। ये डिवाइस कईयों की जिंदगियां बचा सकती है, चाहे कुछ भी हो जाए इस पर बैन नहीं लगना चाहिए। विजय, मैं तुम्हें नहीं भुला सकती, चाहे कुछ भी हो। कोर्ट चाहे जो भी फैसला सुनाए और चाहे तुम्हें तरक्की मिले या ना मिले, तुम पहले भी मेरे थे और आज भी मेरे ही हो। सर, मैं विजय का पिता हूं। सर, आपने कहा था ना वो मर जाएगा तो क्या होगा? कोई फिक्र नहीं सर, वो भले ही मर जाता, हजारों लोग तो बच जाते, वो उसे दिल से दुआएं देते। एक बाप के लिए इससे ज्यादा फक्र की बात और क्या होगी? कुछ कहना चाहते हो? उस दिन मौत को सामने से देखकर इतना डर नहीं लगा था जितना आज इनकी बातें सुनकर लग रहा है। ऐसा लग रहा है दम घुट रहा है मेरा। अगर आपने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया तो सिर्फ मेरा सपना चकनाचूर नहीं होगा, उस बाप का भी होगा जिसने अपने नाकारा बेटे का हौसला कभी टूटने नहीं दिया। साथ में उन परिवार वालों का भी हौसला टूट जाएगा जिन्होंने रोड एक्सीडेंट में किसी अपने को तड़पता देखा है। क्या कानून इतना अंधा हो गया है कि उनका घाव दिखाई नहीं देता? वकील साहब चाहते हैं कि मुझे सजा हो, पर वो ये नहीं जानते कि जिंदगी के हर मोड़ पर मुझे सजा ही मिली है और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा मेरी नाकामयाबी है। सर, की सोच रहे हो सर,
कि इसकी बात क्या सुनना, ये तो खुद एक फेलियर है। और मुझे फेल होने से डर नहीं लगता। अरे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट फेल था, रिश्ते निभाने में भी फेल हूँ, बचपन से लेकर आज तक हर चीज में फेल। पर इन सब चीजों से मेरा हौसला कभी टूटा नहीं है योर ऑनर, बल्कि फौलाद की तरह मजबूत हुआ है। फेलियर इज द बेस्ट टीचर। दुनिया का सबसे महान बल्लेबाज सचिन 10वीं फेल, सबसे बड़े उद्योगपति धीरू भाई अंबानी वो भी फेल हुए थे। बार बार जीतने वाले की जीत से हेडलाइन बनती है, पर हमेशा हारने वाला जब जीतता है तो इतिहास बनता है। प्लेन इन्वेंटर्स राइट ब्रदर्स, अगर वो अपनी नाकामी के डर से कहीं रुक जाते तो आज दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचना मुश्किल होता। वो भी शुरू में फेल हुए। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। इंसानियत हमें जान लेना नहीं बल्कि जान की असली कीमत समझ के उसे बचाना सिखाती है। मेरा सफर जहां से शुरू हुआ था वहीं पर आकर थम गया है। फिर भी आपको लगता है कि मैं गुनहगार हूं तो आप मेरे ऐप को बैन करके मुझे जेल में डाल दीजिए। गरेवाल जी। योर ऑनर। और कुछ जानना है? नो मोर क्वेश्चंस योर ऑनर। जो भी तरीका तुमने प्रूव करने के लिए आजमाया वो सरासर गलत था मिस्टर विजय, लेकिन इरादा सही था ये हम समझते हैं। कोर्ट डजंट हैव एनी ऑब्जेक्शन ऑन योर प्रोजेक्ट, पर तुम्हारे इस काम से पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है जिसकी भरपाई भरनी पड़ेगी। कोर्ट चेतावनी के साथ मिस्टर विजय तलवार को माफ करती है और उसे आजाद करती है। सर, आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर, प्लीज कुछ तो। सर प्लीज। सर सर। तो देखा आपने किस तरह से एक लंबे इंतजार के बाद विजय को रिहा कर दिया गया। कैमरामैन सिद्धू के साथ मैं कहकशां, सीधे गोल्ड माइन से। कोर्ट की सीढ़ियां उतरते हुए जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि मैं कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा हूं। इसलिए ठोकर खा के गिरने वाले डरो मत, उठो कपड़े झाड़ो और काम पे लगो। कोर्ट ने विजय तलवार के केस को रद्द कर दिया है और साथ ही उनके प्रोजेक्ट को हरी झंडी भी दे दी है। विजय के इस प्रोजेक्ट को मल्होत्रा ग्रुप ऑफ कंपनी स्पॉन्सर कर रहे हैं। कांग्रेट्स, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, कीप इट अप। एक्शन सर। ख्वाब देखने वाला हर इंसान बड़ा नहीं होता, बड़ा तो वो होता है जो अपनी सोच सही रखता है और मकसद पाने के लिए सही राह पर चलता है। माफ कीजिए सर, मेरा मकसद तो कुछ और ही है।